हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी का मेन लिस्ट में नाम आया, किसी का वेटिंग लिस्ट में नाम आया है, इनका एडमिशन होगा कि नहीं होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और इसमें वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या है कि एक लॉटरी नंबर में वेटिंग लिस्ट दे रखा है, इसका मतलब क्या है, इन जो कितने तक की वेटिंग लिस्ट वालों का इसमें एडमिशन में होगा कि नहीं होगा, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, अभी मेरे पास देखिए जो रिज़ल्ट है, मैंने किसी बंदे का देखा था तो उसमें अभी ये शो कर रहा है। इसका मतलब आपको समझने की ज़रूरत है, सभी के रिज़ल्ट में शो कर रहा है, किसी का कन्फर्म है तो उसके में लॉटरी नंबर लिखा हुआ है और उसका नंबर लिखा हुआ है, जो भी मतलब लॉटरी नंबर है तो उसका सिलेक्शन हो रखा है जिसमें वेटिंग लिस्ट नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसके ऊपर एक और मैसेज दे रखा है फ्रेंड्स, दिस इज सिंपली एन इंटीमेशन अबाउट योर पोजिशन इन वेरियस पोस्ट लॉटरी लिस्ट एंड इज नॉट ए कन्फर्मेशन और एश्योरेंस ऑफ एडमिशन टू एनी स्कूल। एडमिशन स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट विल बी डिसाइड बाई इंडिविजुअल स्कूल एज पर केवीएस एडमिशन गाइडलाइन आफ्टर वेरीफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड आफ्टर अदर प्रोसीजर एज डिसाइड बाई केंद्रीय विद्यालय संगठन। प्लीज़ कॉन्टैक्ट इंडिविजुअल स्कूल फॉर मोर डिटेल्स अबाउट फाइनल सबमिशन स्टेटस। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जिसका मेन लिस्ट में नाम भी है वो भी अभी ये ग्रांटेड मत मान के चले कि उनका एडमिशन हो गया है, अभी उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इनमें कोई भी दिक्कत होती है तो अभी भी प्रॉब्लम हो सकती है उनको, ठीक है। और जो भी मतलब केवीएस की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग यदि नहीं मिलते हैं डॉक्यूमेंट्स या जो भी और कुछ जो भी रिक्वायरमेंट उनकी है तो वो नहीं होता है, तो जो मेन लिस्ट वालों का भी एडमिशन अभी इन्होंने कन्फर्म नहीं माना है, और ज़्यादा डिटेल्स के लिए ये स्कूल में कॉन्टैक्ट करने के लिए इन्होंने बोल रखा है, ठीक है। अभी इसके बाद आते हैं इसके जो ये जो वेटिंग लिस्ट का और इसका है ये क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए आरटीई के में इसकी वेटिंग लिस्ट दे रखा है, ये 531 इसका लॉटरी नंबर है, वेटिंग लिस्ट 491। अब यहाँ पे आरटीई में जो सीट दे रखी थी ये है इसके बाद वेटिंग लिस्ट। फ्रेंड्स, वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन के चांस कितने हैं, कुछ बोल रहे हैं कि हमारी वेटिंग लिस्ट में नंबर आ सकता है कि नहीं आ सकता। फ्रेंड्स, ये तो डिपेंड करता है कि जो मेन लिस्ट वाले बच्चे कितने उसमें एडमिशन ले पाते हैं, कुछ लोग क्या और कितनों का एडमिशन कैंसिल हो जाता है, उन सभी पे डिपेंड करता है कि वेटिंग वालों का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यदि वेटिंग मेन लिस्ट वाले सभी बच्चे एडमिशन ले लेते हैं तो जिसका वेटिंग एक है वो भी क्लियर नहीं होगा, और यदि जितने मेन लिस्ट वाले कम होते जाएंगे इधर वेटिंग लिस्ट वालों के उधर चांस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये इसी टाइप से आपका जो वेटिंग लिस्ट और ये शो कर रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स दिखा रखी है, उसके बाद आपका वेटिंग लिस्ट में जितने बंदे आगे से कैंसिल होते जाएंगे आपका वेटिंग लिस्ट उसी हिसाब से चांसेस होते जाएंगे, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा, मेरे को उम्मीद है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स का, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए क्या नहीं। फ्रेंड्स, आपको पहली बात तो ये जो मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट वाले एक बार स्कूल में ज़रूर कंफर्म कर लेना, उनकी जो भी वेटिंग लिस्ट वालों को तो ज़रूरत नहीं है यदि ज़्यादा वेटिंग लिस्ट है, लेकिन मेन लिस्ट वाले या फिर जिसको डाउट है कि उनका वो एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या है स्टेटस, तो स्कूल नोटिस बोर्ड को ज़रूर देख ले एक बार कि क्या उनका नोटिस बोर्ड पर भी नाम है कि नहीं मेन लिस्ट में, ठीक है, क्योंकि फाइनल वही माना जा रहा है। अभी यहाँ पर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। फ्रेंड्स, पहली बात तो ये कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो अलग अलग स्कूल ने अलग अलग मांग रखे हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स तो सभी के सेम ही है, ठीक है, कुछ ने थोड़े अलग मांग रखे हैं, लेकिन जिसका एडमिशन हो रखा है तो वो एक बार स्कूल नोटिस बोर्ड पे भी चेक कर लें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। कुछ मैं आपको बता देता हूँ जो सभी को चाहिएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, एक चीज़ तो ये ध्यान रखना कि जितने भी आप ये लेके जाओगे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। दूसरी, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी कैरी करने हैं, साथ लेके जाने हैं फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है। तीसरे नंबर पे अब आते हैं क्या क्या आपको चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र आपको चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का, आधार कार्ड चाहिएगा, जाति प्रमाण पत्र यदि आपका जर्नल में है तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिएगा। अब यहाँ पे भी जो इसके बाद जो इनकम सर्टिफिकेट है वो हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको एक एड्रेस प्रूफ देना है जो इसमें दे रखे हैं, इनमें से कोई भी एक एड्रेस प्रूफ दे देना। इसके बाद आपकी समग्र परिवार आईडी, ये कहीं किसी स्टेट में चलती है किसी में नहीं चलती, ये ऑप्शनल है, देख लेना आप अपने स्कूल के हिसाब से उन्होंने मांग रखी है कि नहीं, ठीक है। राशन कार्ड,
आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। रक्त समूह मतलब आप ब्लड ग्रुप बच्चे का क्या है वो ज़रूरी है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मिनिमम दो तो चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे भी इन्होंने देखिए क्लियर दे रखा, आवश्यकता पड़ने पर अन्य प्रपत्र भी मांगे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने क्लियर लिख रखा है कि इसके अलावा भी कुछ भी मांगा जा सकता है। तो ज़रूर आप नोटिस बोर्ड ज़रूर देखिए। और इसके बाद एक इन्होंने शपथ पत्र भी मांग रखा है कि ये जो नोटरी करवाना पड़ेगा एक ये शपथ पत्र। ठीक है, तो ये तो ज़रूरी है। बाकी आप एक बार अपनी स्कूल जिसमें भी एडमिशन हुआ है वहाँ पे भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।